हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपको एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है जो आपका हुआ था 15 मार्च 2023 को 11:45 से लेकर 12:45 तक। तो हम इसमें चेक करेंगे आज के इस वीडियो में अपने रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। इस एग्जाम के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। तो ये आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है, सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम इस दिन का। तो फर्स्ट शिफ्ट के हम कर चुके हैं रीजनिंग, तो यहाँ पर आज सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग को। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। तो ये तो बोला कि इनमें से कौन सा अलग होगा वो हमें पता लगाना है। तो देखते हैं कि कौन सा अलग हो सकता है इसमें अपना। तो आप एक चीज देखो कि क्या है, 10 10 10 तो सभी में आगे लगा हुआ है, लेकिन ये 21 21 से एक कम है, 20। यहाँ पर 11 11 से एक कम हो गया, 10 23 है, 23 से एक कम हो गया, 22। तो यहाँ पर जो है 17 17 से एक, मतलब 17 के साथ क्या आना चाहिए था, 10 तो आता, लेकिन 17 से एक कम आता है जो कि 16 आता है, तो यहाँ पर 6 दिया गया। तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं हम। पेपर को फोल्ड किया गया फिर कट किया गया, तो देख लेते हैं किस तरह के कट का निशान बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सर्कल, यहाँ पर भी सर्कल, दो जगह सर्कल है, तो यहाँ पर भी दोनों जगह सर्कल है। साथ में जो कट होगा वो अपना एक ट्रायंगल का इस तरह से कट होगा, तो यहाँ पर ट्रायंगल का कट उल्टा दे रखा तो गलत हो जाएगा। सेकंड आपको ठीक दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में क्या गलती है, थर्ड ऑप्शन में ये गलती है, इन दोनों में गलती है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, ऊपर की तरफ क्रम होना चाहिए था। इसमें क्या गलती है, इसमें आपका ये जो एल है ये मैच नहीं कर रहा, अपोजिट को सारी मैच करा दी। तो सेकंड में ऑप्शन में आप चेक करोगे एल आपका मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है, ट्रायंगल मैच कर रहा है, ये एंगल आप चेक कर सकते हो, सारे सारे एक दूसरे के साथ मैचिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ये जो फिगर दे रखी है आपके पास, ये कौन से ऑप्शन में मैच हो सकती है, तो हम चेक करते हैं जो ऑप्शन राइट होगा उसके अकॉर्डिंग। ये फिगर आई थिंक, एक मिनट, रोटेशन अलाउड है क्या, नॉट अलाउड है। ये फिगर आपकी ये रही, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये फिगर सेम टू सेम आपकी दे रखी है, ठीक है, बिल्कुल ये वाली दे रखी। तो आप एक बार चेक कर लीजिए एक बार फिर से, कोई नहीं, तो आप देख लीजिए बिल्कुल वो एन बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। बोला कि ए बी सी डी ई ई ने दे रखा है, एफ दे रखा है, इन्हें को रोटेट वगैरह जो कुछ भी किया है इनके द्वारा किया गया है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्या होगा, ए ए यहाँ पर, फिर ए जो सी है, सी यहाँ पर, यहाँ पर डी डी। तो आप चेक करोगे सी सी की जो प्लेसेज हो यहाँ से उठ गई यहाँ पर गई, तो डी की प्लेसेज यहाँ से उठ गई यहाँ जाएगी, यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है, ओके। और चेक कर लेते हैं एफ यहाँ आ गया, ओके, बी यहाँ आ गया, मतलब अगले में देखो कॉर्नर चेंज हो रहे हैं, कॉर्नर चेंज हो रहे हैं, बी बी, ओके, तो इसमें क्या चेंज होगा, और चेक कर लेते डी 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 बीच में चला गया, ओके, एफ 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 बीच में चला गया, तो एफ इधर आएगा आपकी बार, क्योंकि डी डी राइट कॉर्नर में है, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर में, फिर सेंटर में आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू स्टेप में ऊपर चला गया राइट अपर कॉर्नर में, ठीक है। सेम यहाँ पर हम एफ एफ का देख रहे हैं, तो एफ यहाँ पर एफ एफ सेंटर में आया तो ऊपर चला गया, ठीक है। और चेक करते हैं और क्या फील हो सकता है इसमें, और आपका बी सेंटर में, पी डाउन में आ गया, डाउन में आ गया, फिर डाउन में रहा, अब यहाँ पर है, तो बी की प्लेस भी यहाँ पर चेंज, यहाँ पर सेम एज इट इज रहेगी, क्योंकि दो दो में आपका दिखा रखा है। तो बस इतना ही काफी है हमें चेक करने के लिए, एफ बी डी की प्लेसेस चेक कर लीजिए,
यहाँ पर बी आना था तो ये बी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर डी आता पर डी नहीं है, सी आ रहा है, गलत हो गया। और ये आपका ये दोनों पोजिशन गलत होगी, तो एक ही ऑप्शन आपको बचा वो राइट हो जाएगा। बाकी अपने आप प्लेसेस फिल करें, ये दो प्लेसेस किस तरह से आपके फिल होंगे तो वो अपने आप प्रैक्टिस के रूप में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपको, बोला कि कितने मोबाइल हैं जो कि बैटरी नहीं है, जो कि बैटरी नहीं है, मतलब अपना ट्रायंगल तो होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा 5 और 9 दोनों है, क्योंकि कार्स के बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं है। अगर नहीं बोला तो हमारे पास सर्कल, सर्कल के अंदर जितना भी एरिया आपका आ रहा है, सर्कल के अंदर जितना भी नंबर आपके आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, मोबाइल होंगे। ठीक है, तो 5 9 या तो ऐसे मिलेगा या फिर इन दोनों का सम मिलेगा। तो चेक कर लीजिए कितना है, 14 आपका राइट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए लड़की कहती है, सुमन सॉरी एक लड़की की तरफ इशारा कर रही है, सुमन कह रही है शी इज द डॉटर ऑफ, ये किसी की बेटी है, फोटो वाली लड़की किसी की बेटी है, डॉटर ऑफ माई ब्रदर, मेरे ब्रदर फादर, मेरे ब्रदर के फादर की बेटी है। ठीक है भाई, तो यहां पर सुमन को बना लेता हूं मैं, मेरे ब्रदर के फादर की बेटी है लड़की। ठीक है, ये चीज आपको दे रखी है, तो मतलब ये क्या होगा, इसका फादर होगा। ठीक है, ये इसका फादर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सिस्टर्स होंगे, तो सिस्टर आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि काउ फॉर एजिटिज करना, तो देखो गाय के 4 पाव होते हैं, तो बस कुत्ते के 4 पाव होते हैं, लेकिन ये उल्टा दे दिया। टाइगर के 8 पाव, ये तो गलत हो गया। पैरेट के 2 पाव होते हैं, ये भी गलत हो गया। करो के 2, ठीक है, कौवे के 2 पाव होते हैं। सिंपल सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन दे रखा ना। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को मापने का काम करता है, मेजर मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये होता है एमीटर, लेंथ को नहीं नापता है, एमीटर किसको मापता है, करंट को नापता है, करंट जो आपके तारों में करंट होते हैं उनको मापता है। एनीमीटर टेम्परेचर को नहीं नापता, एनीमीटर क्या करता है, विंड हवा को मापता है कि हवा कितनी तेज चल रही है। सिस्मोग्राफ अर्थ के को मापता है। ठीक है, ऑडोमीटर ऑर्डर को नहीं मापता बल्कि माइलेज को नापता है, माइलेज। ठीक है, और माइलेज क्या होती है, जो गाड़ियां वगैरह आपकी चलती है ना, किलोमीटर पर आवर, लीटर जितने भी लीटर में 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर गाड़ी गई, वो आपका माइलेज होता है, तो ऑडोमीटर उसको मापता है। तो यहाँ पर आप चेक करिए, ये आपका करेक्ट दे रखा, बाकी और सीक्वेंस आपको गलत दे रखा। हाँ, अगर टेम्परेचर आ जाए, टेम्परेचर के बारे में अगर ना बताना पड़े कौन होता है, थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर होता है। लेंथ, लेंथ को कौन मापता है, लेंथ की यूनिट आपके मीटर में होती है, सिंपल सा है। ऑर्डर, ऑर्डर का पता नहीं, बे ऑर्डर का अपने आप चेक कर लेना गूगल पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, काउंटिंग फिगर का है, खुद करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आपका, सीरीज दी गई है आपका 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, आगे जो आएगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, 289 आपका राइट आंसर दे दो। तो मैं यहाँ पर भी ये इसका स्क्वायर बता देता हूँ, ये आपका 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका 21 का स्क्वायर होता है, ये आपका 18 का स्क्वायर होता है, आप चेक कर लीजिए ताकि आप अपने आगे इनको याद रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपको, बोला कि 8, 6 और 50 बोला गया है, ओके 24, 4, 98 बोला गया। कुछ नहीं गया, जैसे मैं इनको लिख रहा था तो मेरे दिमाग में आइडिया है क्या, कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 48 आ गया, 48 में +2 कर दो तो 50 आ जाएगा। सेम दोनों की मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 96 में +2 ऐड करोगे तो 98 आ जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये लॉजिक लगा कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करा दूं और इनके साथ 2 को ऐड कर दूं तो अपना थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक मेरे दिमाग में चला है, तो ऐसा लॉजिक आपने देखना, तो सारे ऑप्शन अपने आप प्रैक्टिस करके देखें। मैं इसको मैच करा रहा हूँ कि 18 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो तो 108 होता है, 108 में 2 ऐड कर दो तो 110 होता है, तो ये 110 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं,
बोला कि सम सी आर डी, कुछ सी क्या है, डी है, ओके, ऑल डी आर ई, सभी डी क्या है, ई है, ओके, ये आपका फिगर बनेगा इसमें वेन डायग्राम का। बोला कि ऑल सी आर ई, क्या सभी सी ई है, नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा ले रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ऑल डी आर सी, क्या सभी डी है, नहीं, स्टेटमेंट में सम के बारे में गलत हो गया। ऑल ई आर डी, क्या सभी ई डी नहीं है, क्योंकि ई जो है वो बड़ा है, डी छोटा है, तो इसका मतलब बड़ा का कुछ हिस्सा छोटे वाला लेगा, तो यहाँ तो उल्टा ही दे दिया, ठीक है, तो गलत हो गया, तो कोई भी ठीक नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेक करता हूं तो मुझे यहाँ पर सम दिखाई दे रहा है, फिर भी देख लेते हैं। 52, 38, 84, 16, 12, 95 को यहाँ बना दिया गया, ओके, सम ही दिखाई दे रहा है, तो ये अपने आप प्रैक्टिस करिए। तो मैं यहाँ पर सभी का सम यूज कर लेता हूँ। 2, 8, 10, 10 और 4, 4 हो गया, 1 कैरी, 14 और 6 और 3, 9, 9 और 8, 17, बिल्कुल सम दिखाई दे रहा है, तो इनका सम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 और 28, 35 होता है, 44 और प्लस 35 आप करोगे तो 9, और ये आपका 779 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। ये फिगर मैच कराने है कि कौन सी शेप में आपको ये फिगर मिलेगी, तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट दे रखा है, तो इस फिगर को हम मैच कराएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर ये फिगर आपको दिखाई दी जाएगी, ये फिगर आपको बिल्कुल एज इट इज दिखाई दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला कि इंटरचेंज करने पर दो साइन को करेक्ट बताना है, तो ये प्लस और मल्टीप्लाई का इंटरचेंज करना है, तो मैं कोई एक ही क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ कि बाकी सेकंड अपने आप ट्राई करना, तो मैं ये अपने आप ट्राई करना, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ 51 वाले को। 51 डिवाइड एज इट इज 17, मल्टीप्लाई की जगह प्लस 9, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 10, माइनस 8, 17 से गया 3, ये आपका 90 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस कर दो, तो 90 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, और 3 और 82 कितना होता है, 85 होता है। ये तो ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई, अपने आप चेक करिए कि क्या ये ठीक है या गलत है, ये अपने आप मैच कराना है। आंसर मत देखना, पहले खुद प्रैक्टिस करो, फिर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका। ऑड वन निकालना है, तो ऑड वन के लिए मैं क्या देखता हूँ कि लास्ट के जो लेटर्स होते हैं वो हमें मैच करने होते हैं, ठीक है, तो लास्ट के लेटर तो मेरे ख्याल से सारे मैच हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग के देखते हैं। 26 और 23, 6, 3, 16, आपका ये कितना हो जाएगा, 13, 7 और आपका ये 4 हो जाएगा, कोई मिसमैच नहीं हो रहा। फिर आगे चेक कर लेते हैं, 19, 25, 9 और ये आपका 1 यहाँ पर हो रहा है, ये 4 का डिफरेंस है। ये आपका अगर ये 3 को मैं कितना लिख दूं, 3 को मैं 26 प्लस करूंगा तो 29 आ जाएगा, तो आप देखोगे 4 का डिफरेंस है, इधर भी 4 का, इधर 3 का, तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों की हेल्प से ये लेटर क्या होंगे, अलग हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि हुमन को ये बोल दिया गया, तो नंबरिंग यूज कर लेते हैं, तो आप 8, 21, 13, 1, 14, इधर हम 10, 25, 19, 9 और 24, तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे +2 कर दिया गया, फिर +4 कर दिया, फिर +6 कर दिया, फिर +8 कर दिया, फिर +10 कर दिया, सेम यहाँ पर 9, 13, 1, 7, 5, 10 ऐड कर दो, 15 आ जाएगा, 15 में ओ आता है लास्ट में, लास्ट में ओ आएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, दो ऑप्शन अपने बचे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वो हम निकालेंगे कि कैसे कि जो ऑप्शन अलग दिखाई दे, सेकंड नंबर अलग दिखाई दे रहा, तो सेकंड नंबर में +4 किया आपने, 17 आया, 17 पर क्यू आया, सेकंड नंबर पर क्यू आएगा, तो यहाँ पर ओ दे रखा है, गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने तीनों प्लेसेस को जरूर फिल करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपका, मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज में क्या होता है कि ये आपका राइट साइड है, तो ये आपकी लेफ्ट, तो राइट तो हो जाएगी लेफ्ट और लेफ्ट हो जाएगी राइट, ठीक है,
मतलब उल्टा चला जाएगा। ये आपके अलग क्यों है, ये गलत क्यों है? क्योंकि आप चेक करोगे और यहाँ पर चेक करोगे, दोनों में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके तो ये तो वैसे ही, सेकंड वाली तो वैसे ही गलत होगी, थर्ड वाली इसने ठीक दे रखी, फोर्थ वाली भी गलत होगी क्योंकि एरो दोनों साइड है। ठीक है, सेकंड वाली भी इसलिए कि एरो दोनों साइड है, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 12 से क्या बनाया गया, 12 से क्या बनाया गया, 15 से जबकि इस पर 28 बनाया, और 11 से क्या बनाया, 512 बनाया। जैसे मैं लिख रहा था तो मुझे दिमाग में आया कि ये क्या है, ये क्या है, 8 का क्यूब है, और 11 में 3 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 12 का क्यूब है, 15 में 3 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ऐसे एज इट इज पहले 3 माइनस कर दो, 9 आ जाएगा, और फिर 9 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 729। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बोला कि मोक को 9326 बोलते हैं, मिंक को ये जो भी है, ओ एन एम को क्या बोलेंगे, पहले हम देख लेते हैं, एम एम की जगह क्या लिखेंगे, एम की जगह मोक मिंक। ओके और कहीं पर भी है कुछ एम, 9326, 9326, 2 और 3 मैच कर रहा है। ठीक है, या तो 2 आना चाहिए या फिर 3 आना चाहिए, चेक कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ओके एन 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 कहाँ, एन तो अकेला ही है भाई। ओ चेक करते हैं, ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इन दोनों में है, तो 9326, 6 मैच हो रहा है यहाँ पर, 6 मैच हो रहा है, ओ की जगह हम 6 मैच कर देंगे। ठीक है, एन की जगह क्या मैच करेंगे, बाकी एन पहले देखो स्टार, ये 6 या फिर 2 होगा, 6 और 2 किसी में दे रखा, किस में दे रखा, नहीं दे रखा, 6 और 3, 6 और 3 किस में है, इसमें नहीं है 6 3, इसमें आपका 6 3 है, इसमें भी 6 3 नहीं है, 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बताइए आपका राइट हो जाएगा। बेसिक आप निकालो मत ना, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस के लिए अभी आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए अभी सोल्व करके देखना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सभी अलग अलग लेटर का अलग अलग निकालो, एम ओ सी के, जैसे INK, INU, क्या क्या होंगे, सभी अपनी प्रैक्टिस की, आपके लिए प्रैक्टिस जितने करोगे उतना अच्छा रहेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंट पूछा है, सबसे अलग पूछा है, शिप क्रोकोडाइल काउ गोट क्या है, सारे के सारे जमीन पर रहने वाले, और ये क्या होता है, जमीन पर भी रहता है, लैंड पर भी रहता है, और प्लस में वाटर पर भी रहता है। ठीक है राइट, ये जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सीरीज बताने है, तो सीरीज में देखो सबसे अलग मैच करो, सबसे अलग क्या है, सभी के मैचिंग हो रही है, तो देख लेते हैं क्या क्या अलग है। सबसे पहले फर्स्ट लेटर देख लेते हैं, आर आपका 18 होता है, V 22, Z 26, D 4 आगे क्या आएगा, +4 क्या, +4 क्या, नहीं पता छोड़ दो, आगे +4 करो, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पर 8 आएगा, और 8 पे कौन सा लेटर आता है, एच आता है, फर्स्ट में एच आएगा, फर्स्ट में एच आएगा, तो एच तो आएगा नहीं। अब लास्ट देख लेता हूं मैं, लास्ट G W M C, G 7 W आपका 23, M 13 C आपका 3, ये क्या दे दिया भाई इन्होंने, कुछ ज्यादा डिफरेंस दे दिया, -10 कर दिया, यहाँ पर भी -10 कर दिया, आगे -10 करोगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -7 में +26 करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 पे कौन सा लेटर आता है, एस आता है, 19 पे कौन सा लेटर आता है, एस आता है, ये कट हो जाएगा। अब आप सेकंड वाला चेक कर लीजिए, CWQK, C आपका 3 होता है, W 23 होता है, Q आपका 17 होता है, K 11 होता है, 6 माइनस किया, -6 किया, आगे भी -6 कर दो तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 पे कौन सा लेटर होता है, ए, सेकंड पर ई आएगा, सेकंड पर ई आएगा, तो ये आपका मैच हो जाएगा। बाकी एक अभी भी छुटा हुआ है, एक थर्ड सीरीज अभी भी छुटी हुई है, तो वो अपने आप ट्राई करके देखे कि किस तरह से सोल्व होगा। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना, तो देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा, वी तक, वी तक, वी पहले डी कंप्लीट कर लें,
फिर वी एम ओ पहले कौन आएगा, एम आएगा सबसे, वी एम ओ में पहले कौन आएगा, एम आएगा तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी, सेकंड पोजीशन इसकी हो जाएगी, ओ आएगा। फिर वी में देख लो ए आई आई, तो ए आई में पहले कौन आएगा, आई आएगा तो सेकंड पोजीशन हो गई, थर्ड पोजीशन इसकी हो गई। सी एस में पहले कौन आएगा, सी आएगा फोर्थ पोजिशन, और ये आपके लास्ट फिफ्थ पोजिशन। चेक कर लीजिए फर्स्ट पे कौन है, फोर है, सेकंड पे फाइव है, थर्ड पे वन है, फोर्थ पे टू है, और फिफ्थ पे आपका थर्ड पोजिशन है। ये आपकी सीरीज बनेगी, तो जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। लेकिन आप अपना टाइम बचाने के लिए जितना कम टाइम यूज करे कर सकते हो उतना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका, बोला कि ये बताना है कि क्या होगा इसका, तो ये क्या है, एक दूसरे की सुकेर है, 1444 1438 का सुकेर है, 1936 क्या 44 का सुकेर है, ये आपका 42 का सुकेर है, 1764, और ये 36 का सुकेर नहीं, 36 का सुकेर जो होगा, 36 का सुकेर जो होगा वो 1296 होगा, 1296 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, तो ये आपका राइट आंसर दे दो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का, तो जी एच टी वी, तो एक प्लस कर दिया, इधर दो प्लस कर दिए, प्लस वन और प्लस टू, तो इधर प्लस वन करेंगे तो आई आएगा, प्लस टू ऐड करेंगे यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाएगा, आई डब्ल्यू आपका राइट आंसर दे देगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद से ज्यादा जल्दी सॉल्व हो गया, बहुत जल्द, मतलब 21 मिनट के अंदर मैं आपको समझाने में भी सक्षम रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा पेपर था, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।